स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने रविवार को न्यू शिमला सेक्टर 4 में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस भवन की व्यवस्था से यहां के स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं घर द्वार पर उपलब्ध होंगी। भवन का निर्माण कार्य लगभग 55 लाख रुपए से पूर्ण किया गया है। भवन के प्रवेश मंजिल में ओपीडी, प्रथम मंजिल में डिस्पेंसरी एवं ड्रेसिंग रूम, भूतल मंजिल में लेबर रूम एवं नर्सिंग रूम और बेसमेंट में स्टोर रूम का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स की मांग सामने आई है। प्रदेश सरकार जल्द ही 700 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती करने जा रही है, जिससे इस मांग की अवश्य रूप से पूर्ति होगी। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि बड़े अस्पतालों में भीड़ को कम किया जा सके और इसी के दृष्टिगत चमियाना में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।